टाटा मोटर्स आज के वक्त में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि टाटा मोटर्स की सभी कार्स काफ़ी सेफ मानी जाती हैं, स्पेशली सारी बजट सेगमेंट कार्स जैसे टाटा ऑल्ट्रोस, टाटा पंच टेस्टेड हैं और ये सब 4 या 5 स्टार्स तक लेके आ रही हैं। टाटा टियागो के कई सारे हैरान करने वाले वीडियो आप पहले चैनल पर देख चुके हैं। रिसेंटली आपने टाटा टियागो का एक बस से हुआ मेजर एक्सीडेंट देखा था। किसी को चोट नहीं लगी? सब ठीक है? हाँ, अभी गाड़ी का नुकसान? आप चला रहे थे? मैं बिल्कुल एकदम सेफ है ना? और कोई था गाड़ी में? आंटी थी और वो चार लोग। ठीक है ना? वो उनको घर भेज दिया? ये पूरा वीडियो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स की ये सेफ कार्स रियल लाइफ में भी लोगों की जान बचाती हैं। अब काफ़ी समय से हमें इंतजार है टाटा हैरियर और टाटा सफारी के क्रैश टेस्ट का, जो वैसे लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इस प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियाँ 5 स्टार्स ला चुकी हैं। टाटा सफारी का आज का एक्सीडेंट बाइक से हुआ है। ये पिक्चर्स मिस्टर अजय ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करी थी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। इस एक्सीडेंट में ओनर कर्नाटका से कश्मीर के लिए ट्रिप के लिए जा रहे थे और वो काफ़ी गाड़ी चला भी चुके हैं और कुर्ग के पास टाटा सफारी का एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में टाटा सफारी का कूलेंट लीक हो गया और बम्पर के साथ साइड फेंडर पर भी डैमेज आई। बाइक राइडर की यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, होपफुली वो यहाँ सेफ रहे हैं। तो टाटा सफारी का ये एक्सीडेंट क्या इस कार को अनसेफ बना देता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल एक्सीडेंट्स में गाड़ी ने अपनी वर्थ प्रूव करी है और पैसेंजर को पहले सेफ रखा है। हालांकि फीएट सोर्स 2 लीटर मल्टी जेट इंजन में ऑयल फिल्टर के प्लेसमेंट की वजह से राइट हैंड साइड ड्राइव कार में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पूरे 5 स्टार ये स्कोर ना कर पाए। हालांकि जीप कंपस जो सेम इंजन यूज़ करती है यूरो एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार स्कोर कर चुकी है और यूरो एनकैप ने कंफर्म किया है कि ये रेटिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव दोनों ही मॉडल्स के लिए वैलिड है। तो टाटा सफारी और हैरियर भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। हालांकि पॉसिबल है पेट्रोल इंजन जिस पर टाटा अभी काम कर रहा है उसके लॉन्च के बाद इन गाड़ियों को टेस्ट किया जाए। अब आगे यहाँ जो भी देखने को मिले होपफुली जल्द से जल्द सफारी और हैरियर का क्रैश टेस्ट किया जाए। बाकी टाटा के लोहे पर भरोसा इनकी बजट कार्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और उम्मीद हैरियर और सफारी से भी 5 स्टार्स की ही है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है हैरियर और सफारी जो कि लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है ये ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में कितना स्टार स्कोर कर सकती हैं। चलता हूँ मैं, मिलूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।